नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 100+ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि ये आप एपिसोड मिस ना कर सकें। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना देश का दूसरा नाम क्या है? घाना देश का दूसरा नाम गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारगंज म्यूजियम किस राज्य में है? सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है, जो वर्तमान समय तेलंगाना में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त होता है? मलेरिया का दवा कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। हृदय संचलन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? हृदय संचलन के लिए पोटेशियम तत्व आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को हुआ था। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगला परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, जो हरियाणा में स्थित है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कितने में तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारतीय स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगा को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? भारतीय तिरंगा को संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। भारत का प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या है? भारत का प्रथम बोलती फिल्म का नाम है आलमारा। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? मौसम संबंधी घटनाएं जो मंडल में होती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? स्थल सीमा है चीन की। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत का मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर का नाम है तारापुर महाराष्ट्र, जिसका स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था? पंचायती राज का गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है?
गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है। 1 रुपये के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट में आरबी वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। सोजे बतन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोजे बतन नामक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? 65 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी वाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। रिवर्स क्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स क्लिक का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। शुष्क सेल में कौन सा रसायन होता है? शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड होता है, अर्थात NH4Cl होता है। और लिक्विड सेल में अर्थात कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अर्थात H2SO4 होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड इरविन ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग फकीर कहा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट है, पागल कुत्ता को काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ता के काटने से रेबीज अर्थात हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन और रात भूमध्य रेखा पर होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था अली बंधु के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मांसीराम में होता है। मांसीराम कहाँ है? मांसीराम मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, कुंभ मेला का शुरुआत किस शासक ने की थी? कुंभ मेला की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। भारत में कुंभ मेले 4 जगह पर आयोजित किए जाते हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। अजंता की गुफाएं किसकी चित्रकारी है? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की चित्रकारी है। नेक्स्ट है, लाहौर दिल्ली बस सेवा किस नाम से जाना जाता है? लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ये सरहद के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है, जो हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए। किस खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा के बैठक में कितने सदस्य का होना अति आवश्यक है? 1/10 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। मैराथन दौड़ कितना होता है? मैराथन दौड़ की दूरी होता है 26 मील 385 गज, 42.15195 किलोमीटर। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। बीजक पुस्तक की रचना किसने किया है? बीजक पुस्तक की रचना है किया है कालिदास ने। नहीं, बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीर। अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखा गया है वेल्थ ऑफ नेशन। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। फ्यूज तार किसका धातु है? फ्यूज तार सीसा और
टिन का होता है, अर्थात पीवी प्लस एसएन। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीला किसके कारण होता है? गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण होता है। मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस भर जाती है? मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भर जाती है। लेडी विद द लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेडी विद द लैम्प नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ता है? हवाई जहाज़ संताप मंडल में उड़ता है। रेडियो तरंग किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबल पुरस्कार रमन मैग्सेस अवार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता संविधान में कब जोड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय है कोलकाता में। खुरपका मुँहपका किस में होता है? खुरपका या मुँहपका नामक रोग गाय और भैंस में होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेल सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पिन कोड कब शुरुआत किया गया? भारत में पिन कोड का शुरुआत 1972 में किया गया था। चांद से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चांद से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 5 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य थे दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रुद्रकनिका अंग किस अंग में बनता है? लॉर्ड रुद्रकनिका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। धार्मिक नृत्य करगम किस राज्य का नृत्य है? धार्मिक नृत्य करगम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? बंकर शब्द का संबंध गोल्फ से है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला एक रूपांतरित चट्टान है। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। प्रसिद्ध नाटिका अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल थ्योरी पर काम करता है। चंदेरिया और मंदेरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चंदेरिया और मंदेरिया शब्द का प्रयोग शेयर बाजार में किया जाता है। जनसंख्या का महाविभाजन कब कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन 1921 ईस्वी की जनसंख्या गणना को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। कौन सा जल संधि अफ्रीका से यूरोप को अलग करती है? अफ्रीका से यूरोप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है भारत का। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दो देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? दो देशांतर के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं अनुदिति राय। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बाउल पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य में शांति घाटी स्थित है? केरल राज्य में शांति घाटी स्थित है।
धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।